Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty, Aradhya classes, CTM. Students, last lecture mein probability, chapter number 16 mein 16.1 aur 16.2 exercise complete kiya tha. Now, continuous karte aage 16.3 ke related. प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी जिसमें हमने ओनली फॉर सैंपल स्पेस फाइंड किया था. ओके, नाउ सेकंड एक्सरसाइज में हमने इवेंट फाइंड किया और अब ये एक्सरसाइज के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो कोई भी इवेंट से, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है. तो इट्स डिनोटेड बाय द पी ऑफ ए. इट्स फॉर्मूला इज द आर अपॉन एन. व्हाट इज द आर? R means total number of elements in outcomes. Okay, यानी samples, यानी जो events के outcomes है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे number of outcomes favorable to event. यानी event के total number of outcomes. और n means टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस के आपको आउटकम्स लिखने हैं. तो इस तरह से हम कोई भी इवेंट्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, कोई भी प्रोबेबिलिटी आपको मालूम होगा कि बिटवीन ऑलवेज 0 to 1. अगर सैंपल स्पेस मिला आपको एस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको 1 मिलेगी, यानी इट्स योर इवेंट. एंड अगर इवेंट में एक भी एलिमेंट्स नहीं मिला 5, तो इट्स प्रोबेबिलिटी 0 बिकॉज द इम्पॉसिबल इवेंट. नाउ नेक्स्ट ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी. ए और बी, यूनियन मीन्स ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. स्टूडेंट्स, सेट थियरी में जो फॉर्मूला हमने क्लियर किया था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो सेम पैटर्न से यहां पर सॉल्व करना है. बट हियर प्रोबेबिलिटी यानी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके, नाउ नेक्स्ट, आप जानते हो कि अगर पी ऑफ बी माइनस ए या ए माइनस बी फाइंड करना है, तो आप इसको लिख सकते हो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश. ओके, अदरवाइज P of B intersection A dash means P of B में से आपको P of A intersection B कट करना है, तो आपको P of B intersection A dash मिल जाएगा. Also the students, De Morgan's law. De Morgan's law. तो क्या था De Morgan's law? अगर A union B तो whole dash find करना है, तो formula होगी A dash intersection B dash. And A intersection B the whole dash is equals to A dash union B. तो स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट पर डिपेंडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 16.3 हम स्टार्ट करते हैं. तो नाउ 16.3 क्वेश्चन नंबर 1. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैलिड असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉर आउटकम्स. हियर द सैंपल स्पेस एस W1 W2 C1 एलिमेंट्स है, और हर एक एलिमेंट जो मिल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास सेपरेटली है. स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट के रिलेटेड आपको इतना तो कंफर्म मालूम होगा कि किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 नहीं होगी या नेगेटिव नहीं होगी. ओके, तो आप देख सकते हो सबकी इवेंट्स जो भी प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन 1 है. नाउ सेकेंड थिंग, कि अगर वैलिड असाइनमेंट है तो सबका एडिशन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. जितने भी एलिमेंट्स है देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, तो आपको मालूम है कि सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 7 P of WI. इसका आंसर आपको क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट्स? अगर 1 मिल जाए तो ये असाइनमेंट वैलिड है. तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर एडिशन करना होगा सभी इवेंट्स का, P of W1, P of W2, P of W3 प्लस P of W4 प्लस P of W5 प्लस P of W6 प्लस P of W7. ओके, तो नाउ सबका एडिशन करते हैं. 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01
प्लस 0.2 प्लस 0.6। तो देखो स्टूडेंट सबका एडिशन यहां पर हो रहा है 1। ओके तो इंसर्ट ये जो फर्स्ट असाइनमेंट ए है वो वैलिड है। यहां पे आप लिख सकते हो हैंस द असाइनमेंट इज वैलिड, असाइनमेंट इज वैलिड। ओके नाउ सेकंड पॉइंट। तो देखो स्टूडेंट्स अब यहां पर आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो है भी, अब पूरा क्वेश्चन आपको स्टूडेंट सेल्फ ट्राई करना है। ओके फर्स्ट मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी सब एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है आपका देखो कि बी 1/7 1/7, तो सबकी इवेंट्स के एलिमेंट जो प्रोबेबिलिटी है लेस देन 1 है, यस। ओके सबका एडिशन करोगे तो भी आपको 1 मिलेगा, यानी सेकंड असाइनमेंट बी इज आल्सो द वैलिड असाइनमेंट। थर्ड नंबर देखो तो सबका यहां पर आप एडिशन करोगे तो देखो 0.6 प्लस 0.7 तो ऑलरेडी दोनों का एडिशन ही 1.3 हो जाता है, तो ये एडिशन आपको कभी 1 नहीं मिलने वाला, यानी सी इज नॉट ए वैलिड असाइनमेंट। डी भी नहीं है बिकॉज द इसकी पर्टिकुलर W1 की प्रोबेबिलिटी है वो माइनस है, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये वैलिड नहीं है। ई ये भी वैलिड नहीं है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर 15/14 15/14, यानी ये पर्टिकुलर W7 की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 हो गई, तो एडिशन करोगे तो 1 से ज्यादा ही मिलेगी, यानी दिस इज नॉट ए वैलिड असाइनमेंट। तो ये रीजन लिख के आपको बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देयर क्वेश्चन नंबर 2 इज अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टाइम टेल अकर्स। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर जो सैंपल स्पेस दिया है कॉइन इज ट्वाइस, यानी टोटल 4 आउटकम्स HH HT TH and TT। तो इवेंट क्या है यहां पर, इवेंट है यहां पर एटलीस्ट 1 tail। ओके तो एलिमेंट्स कौन से आएंगे देखो स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 1 tail यानी HT TH, ओके एंड TT, बिकॉज एटलीस्ट 1 time तो टेल होना ही चाहिए, 1 से ज्यादा हुआ तो चलेगा पर लेस नहीं चलेगा। ओके तो यहां से आपको डिसाइड करना होगा, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स 3, और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की फॉर्मूला होगी R/N। आर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी इवेंट्स के एलिमेंट यानी 3। ओके और यहां पर टोटल एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स आपके पास 4, दैट इज 3/4। ओके तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपके पास के पॉइंट तो ट्वाइस आप टॉस कर रहे हो, ओके और एटलीस्ट 1 time टेल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ डाई इज थ्रोन देन टोटल आउटकम्स इज 6। फर्स्ट आपके पास सैंपल स्पेस जो मिलेगा एस होगा आपके पास 1 2 3 4 5 and 6। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवेंट ए इज द अप्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर विल अपियर। आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइम नंबर है आपके पास 2 3 and 5, ये 3 में से आउटकम्स मिलेगा। टोटल आपके आउटकम्स है n इज इक्वल टू 6, तो प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट्स 3/6। एलिमेंट्स टोटल एलिमेंट्स इवेंट के 3 है तो 3/6 वी गेट 1/2। नाउ सेकेंड नंबर का क्वेश्चन इवेंट बी, बी इवेंट नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 यानी 3 या 3 से ज्यादा 3 4 5 6। ओके तो ये बी इवेंट्स हो गई, बी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स 4/6, वी गेट 2/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट्स, सपोज द इवेंट सी, तो सी इवेंट्स में कैसे एलिमेंट आएंगे, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 will appear, okay? Less than or equal to 1, 1 या 1 से less, तो only for 1 elements, so its probability P of C is equals to 1/6. Question number 4, question number 4 में event को de-assume करते हैं, number more than 6 will appear, तो 6 से ज़्यादा कोई भी numbers नहीं मिलने वाला, यानी D is 5, what is the probability? So its event is the impossible event, that is 0/6. We get 0. Question number 5, a number less than 6, so event E is less than 6, means यहाँ पर आप लिख सकते हो यहाँ पर elements मिलेंगे आपको 1, 2, 3, 4 and 5.
इट्स प्रोबेबिलिटी इज द 5/6। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है देखो स्टूडेंट्स, कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ द 52 कार्ड्स। ओके, तो आपको यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, तो 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर टोटल जो सैंपल स्पेस होगा उसमें एलिमेंट्स एन कितने होंगे, तो 52 में से वन सिलेक्ट करना है, यानी इट्स कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में ये कंसेप्ट हमने क्लियर किया था कि 52 में से वन कार्ड सिलेक्ट करना है, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे आपके पास, 52 टाइप से आप सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन ए, तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन अ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 52, तो 52 टाइप से आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। बी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। ओके, तो सेकंड जो इवेंट्स है तो हम उसको बी से डिनोट करते हैं, ए इवेंट्स डिनोट करते हैं सपोज, तो इवेंट ए, तो इवेंट ए क्या होगा कि यहां पर आपको सिलेक्टेड कार्ड इज एन एस, एस ऑफ स्पेड, सिलेक्टेड कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। तो स्पेड मीन्स स्टूडेंट्स आप जानते हो काली, और एस मीन्स इक्का, काली का इक्का मिल रहा है, तो ऐसे तो काली का इक्का कितना होता है, ओनली फॉर वन होते 52 में से, यानी 1/52, इक्के चार होते हैं बट काली का इक्का एक ही होता है। ओके, सी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज एन एस, तो उसमें पहला बी इवेंट्स क्या है, एन एस, सिलेक्टेड कार्ड इन एज एस, तो एस आपको मालूम है कितने इक्के होते हैं, चार, तो 4/52, यानी वी गेट 1/13। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी 1/13। और सेकंड क्वेश्चन सी इवेंट्स कैसी है, तो ब्लैक कार्ड। ओके, तो आपके पास सिलेक्टेड कार्ड इज ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड यानी स्टूडेंट्स ब्लैक कलर की बात की है यहाँ पर, टोटल 52 कार्ड्स में आपको मालूम है ओनली फॉर टू कलर्स होते हैं, रेड एंड ब्लैक, दोनों के 26 कार्ड, एंड देर आर द फोर शूट्स। ओके, यहाँ पर क्लब स्पेड दोनों ब्लैक कलर के, और हार्ट एंड डायमंड दोनों रेड कलर के, यानी 26 कार्ड, इट्स प्रोबेबिलिटी इज द 26/52, वी गेट 1/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फेयर कॉइन विथ वन मार्क ऑन अ फेस एंड 6 ऑन द अदर फेस, अ फेयर डाइज आर बोथ टॉस, यानी आपके पास एक कॉइन है और एक डाई है, तो कॉइन में जो दो साइड्स होती है, दो फेसेस होती है, उसमें एक पर 1 लिखा है, दूसरे पर 6, जैसे कॉइन में जनरली एच या टी होता है, इसकी जगह पर कॉइन के दोनों साइड पर एक जगह पर 1 और दूसरी जगह पर 6 लिखा हुआ है। ओके, तो आपको सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 1 and 6 एक कॉइन की बात है, और डाइस पर तो आपको मालूम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल आपको 12 आउटकम्स मिलेंगे, कौन से, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, एंड नाउ नेक्स्ट 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 and 6, 6, तो आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ आउटकम सैंपल स्पेस के कितने होंगे, 12 होंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर सम ऑफ द नंबर इज 3, सम ऑफ नंबर इज 3, तो ऐसे देखो तो 3 मिले ऐसे ही इवेंट से, यानी उसमें ओनली फॉर 1 एलिमेंट्स होगा, 1 and 2। ओके, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/12। नाउ द सेकंड नंबर क्वेश्चन इज सम इज 12, दोनों पर जो नंबर से उसका एडिशन कितना हो रहा है, सम इज 12, तो बी इवेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो स्टूडेंट्स 6, 6, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ बी इज द 1/12, तो टोटल एलिमेंट्स ओनली फॉर 1, 6, 6 एक ही एलिमेंट मिलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/12। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देर आर 4 मैन एंड 6 वुमेन्स ऑन द सिटी काउंसिलिंग,
If one council member is selected for a committee at randomly and how likely is it the selected person is woman. तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल 4 मैन है, यहाँ पर 6 वुमेन, ओके टोटल 10 पर्सन, ओके वन मेंबर सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन कितने में से होगा, 10 में से 1 यानी 10 टाइप से सिलेक्ट कर सकते हो, ओके okay, और जो इवेंट है ओके सिलेक्टेड मेंबर इज वुमेन, सिलेक्टेड मेंबर इज वुमन, यानी एक ही मेंबर सिलेक्ट करना है और वो वुमन आई तो यानी उसका मतलब ये हुआ 6 में से 1 सिलेक्ट हुआ है और 10 में से भी 1 यानी 6/10 वी गेट 3/5, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 3/5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. 7 नंबर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स. स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करना है आपको. 4 टाइम टॉस करोगे तो आपको जो सैंपल स्पेस मिलने वाला है उसमें 16 आउटकम्स मिलने वाला है. ओके तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सैंपल स्पेस. ओके तो कितने होंगे 16. तो कैसे एलिमेंट्स, तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं एच 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 टी एच 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 टी, ओके फिर एच एच टी एच, लास्ट में होगा एच एच टी टी. नाउ नेक्स्ट एच टी एच एच, नाउ नेक्स्ट एच टी एच टी एच टी टी एच. ऑलरेडी ये क्वेश्चन आगे लास्ट एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया था. तो 8 एच से स्टार्ट होंगे, बाकी के 8 टी से स्टार्ट होंगे. तो टी से टी एच एच एच, नेक्स्ट टी एच एच टी, नाउ नेक्स्ट टी एच टी एच, फिर टी एच टी टी. अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर टी टी एच एच, नेक्स्ट टी टी एच टी, टी 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 एच, और लास्ट में मिलेगा टी टी टी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है. मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स, आपको फिर सेल्फ ट्राई करना है. क्वेश्चन में पहले तो 16 आउटकम्स मिल गए आपको. अब क्वेश्चन रीड करो कि एंड अ पर्सन विन 1 रुपीज फॉर ईच हेड एंड लॉस द 1.5 रुपीज फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट द हाउ मेनी डिफरेंट सम आउट मनी एंड यू आफ्टर द 4 टॉस द प्रोबेबिलिटी हैविंग ईच ऑफ द अमाउंट. तो देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर हम एक कॉलम बनाएंगे अमाउंट का. अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर अब हम डिस्कस करते हैं कि सपोज अगर आउटकम एच आया तो आपको 1 रुपीज मिल रहा है यानी विन हो रहा है, और अगर आपको टी मिला तो 1.5 रुपीज लॉस में जा रहे हो. ओके देखो स्टूडेंट्स, तो यहां पर सबसे पहले एच मिला यानी 1 + 1 + 1 + 1 यानी टोटल 4 रुपीज आपको मिला. एच 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 टी में क्या होगा 1 + 1 + 1 - 1.5 क्योंकि टी आया आउटकम्स तो 1.5 रुपीज लॉस किया, तो 3 - 1.5 दैट इज 1.5 रुपीज बाकी रहेंगे. अब एच 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 टी में भी आप देखो एच वन एच मीन्स 1 टी आया तो आपको 1.5 रुपीज लेस करना है. ओके प्लस एच आया यानी 1.5. एच एच टी टी में पहले एच आया तो 1 + 1 + -1.5 - 1.5 ओके तो -3 + 2 दैट इज -1 रुपीज. तो यानी -1 रुपीज मिल रहा है उसका मतलब कि 1 रुपीज लॉस में जा रहे हो. 4 रुपीज यानी 4 रुपीज प्रॉफिट हुआ, 1.5 यानी 1.5 रुपीज प्रॉफिट हुआ. लास्ट में देखो तो -1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 तो आपको आंसर मिला -6 यानी 6 रुपीज लॉस में जा रहे हो. ओके अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा कैलकुलेट आपको करना है. ये कैलकुलेशन के बाद आपको यहाँ पर देखना है इवेंट E1 हम बोलते हैं कि रुपीज 4 रुपीज आपको मिला. ओके तो 4 रुपीज कितनी टाइम्स आपको मिल रहा है. ओके तो ओनली फॉर 1 टाइम्स मिलेगा. ओके E2 इवेंट आपको मिलेगा रुपीज सपोज 1.5 रुपीज भी मिल रहा है. 1.5 रुपीस ये पूरे जितने भी कैलकुलेशन आप चेक करोगे काउंट करोगे तो उसमें 4 टाइम्स आपको मिलेगा. ओके यानी 4 टाइम्स ये 1 टाइम मिलेगा ऐसा. ओके ये 4 टाइम्स
E3 इवेंट आपको और भी यहाँ पर मिलेगा रुपीज माइनस वन रुपीज मिल रहा है, तो ये 6 टाइम आपको मिलेगा। E4 इवेंट होगी, इसमें रुपीज हो गए माइनस 3.5 रुपीज, ओके, तो ये भी आपको 4 टाइम्स मिलेंगे यहाँ पर। और E5 आपको यहाँ पर 6 रुपीज माइनस 6 रुपीज मिलेंगे, यानी 6 रुपीज लॉस में जाओगे, अदरवाइज माइनस 6 रुपीज प्रॉफिट भी बोल सकते हो वन टाइम। देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये 5 और 5 10 और 6 16 टाइम्स टोटल हो गया। अब आपको 4 रुपीज ओनली फॉर वन टाइम ही मिल सकता है जब आउटकम्स एच हो। 6 रुपीज लॉस तब भी जाएगा जब सभी टीटीटी हो गए। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट सबकी प्रोबेबिलिटी अलग से फाइंड करनी है, तो पी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/16, पी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी आप देखो तो 4/16, वी गेट 1/4। पी ऑफ E3, तो E3 की प्रोबेबिलिटी होगी 6/16, यानी 2 से डिवाइड करो तो यानी 3/8। पी ऑफ E4 होगा 4/16, दैट इज 1/4। एंड पी ऑफ E5 आपको मिलेगा 1/16। तो इस तरह से आपको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स के 3 कॉइंस आर टॉस वन टाइम, यानी टोटल आपको मालूम है सैंपल स्पेस में 8 आउटकम्स मिलेंगे, HHH, HHT, HTH, HTT. Now TTT, TTH, THT and THH. आप देख सकते हो यहाँ पे सैंपल स्पेस में टोटल 8 आउटकम्स हैं। स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व ट्राई करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इवेंट्स ए, यानी 3 हेड्स मिल रहे हैं आपको, ओके, तो 3 हेड आप देख सकते हो ओनली फॉर वन टाइम मिलेंगे HHH जब आपको आउटकम्स मिलेगा तब। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज 3/8। सेकंड टू हेड आपको काउंट करना है, तो वो लिखना है 1, 2 और ओनली फॉर 3 टाइम्स, ये 3/8 मिलेगा। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 यानी 2 तो आना ही चाहिए, ओके, 2 से लेस नहीं होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा आपको लिखना है, ओके, तो यानी 2 और 2 से ज्यादा, तो यानी 2 वाले तो इंक्लूड होंगे, ऑल्सो HHH ऐड हो जाएगा, यानी टोटल 4 टाइम्स होगा, यानी 4/8। तो सेम क्वेश्चन ये आपको स्टूडेंट सेल्फ ट्राई करना है, ऑलरेडी आगे इवेंट्स ऐसे हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इफ द 2/11 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नॉट ए, तो नॉट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर कोई एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आप देखो तो पी ऑफ ए इज गिवन हियर 2/11 और आपको फाइंड करना है इज नॉट ए, नॉट ए यानी एडेस। आपके पास एक फॉर्मूला है पी ऑफ एडेस इज इक्वल्स टू 1 पी ऑफ ए, तो 1 में से कट कर दो, दैट इज 1 - 2/11, 11 - 2 दैट इज 9/11। तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई स्टूडेंट्स 9/11। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास कि अ लेटर इज चूजन एट द रैंडमली फ्रॉम द वर्ड इज द असेसिनेशंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज वोवल एंड सेकंड इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज लेटर इज कंसोनेंट। तो देखो स्टूडेंट्स आपके पास जो वर्ड है assassination, A-S-S-A-S-S-I-N-A-N-A-T-I-O-N, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास टोटल वोवेल कितने हैं, तो वोवेल देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो 6 यहाँ पर वोवेल है एंड कॉन्सोनेंट यहाँ पर है 7। तो आप देख सकते हो टोटल लेटर आपके पास है यहाँ पर 13। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखो स्टूडेंट्स उसमें है कि एक ही लेटर आपको सिलेक्ट करना है, यानी एन इज इक्वल टू 13C1, तो 13 में से 1 सिलेक्ट करना है, तो टोटल पॉसिबिलिटी होगी 13। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्टेड लेटर इज वोवेल, तो इवेंट ए, तो सिलेक्टेड इज वोवेल, तो वोवेल आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया उसका मतलब ये हुआ कि इट्स प्रोबेबिलिटी इज
वोवेल सिक्स है तो सिक्स में से एक सिलेक्ट हुआ होगा और नीचे 13 में से वन, दैट इज इट्स प्रोबेबिलिटी 6/13. एंड नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज सिलेक्टेड प्लेटर बी इज अ कॉन्सोनेंट. तो यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिलेगा, तो कॉन्सोनेंट है आपके पास 7, तो 7/13. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस द 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडमली फ्रॉम 1 to 20 एंड इफ दिस 6 नंबर्स आर मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी ही विंस द प्राइज. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग द प्राइज इन द गेम. स्टूडेंट्स टोटल 1 to 20 यहाँ पर लॉटरी के नंबर्स है, उसमें से रेंडमली आपको 6 नंबर चूज करना है और लॉटरी कमिटी ने डिसाइड किया हुआ है कि टोटल 6 नंबर पर्टिकुलर फिक्स निकले, ये जो सिलेक्ट जो फिक्स किए है वही तो आपको लॉटरी लगेगी, अदरवाइज नहीं. तो विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 6 नंबर्स आउट ऑफ द 20 नंबर्स. ओके, तो टोटल कितने सिलेक्ट करने होंगे आपको, 20 में से 6 सिलेक्ट करना है. तो ये हो गया उसका एंड. और स्टूडेंट्स आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो सपोज द इवेंट ए, ओके, इवेंट ए इज विनिंग प्राइज, यानी विनिंग हो रहे हो आप, प्राइज मिल रही है लॉटरी की. ओके, तो उसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट्स आपने जो 6 नंबर लॉटरी कमिटी ने सिलेक्ट किए वो ही सिलेक्ट किए होंगे. तो ऐसा एक ही टाइप से हो सकता है, तो 1/n. ओके, अदरवाइज फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करें तो दैट इज r/n. तो ऐसा एक ही बार सिलेक्ट होगा और नीचे आएगा 20c6. अब हमको यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करना है ये 1 एज इट इज. डिनोमीटर में आपको यहाँ पर मिलेगा 20 को 6 टाइम डिक्रीज करना है, 20, 19, 18, 17, 16 × 15. और डिनोमीटर में आएगा यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, तो देखो यहाँ पर 6, 3 = 18, 5, 4 = 20, and 2, 8 =. तो रिमेनिंग 19 × 17 × 8 × 15. तो देखो स्टूडेंट्स आपको आंसर मिला 1/n, मल्टी करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 38,760. ओके, तो यानी ए मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, प्राइज मिले उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/38,760. क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी ऑफ एन पी ऑफ बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड, यानी दिस इज द प्रोबेबिलिटी इज कंसिस्टिंग और नॉट. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, देखो एक सिंपल में यहाँ पर एक एग्जांपल से सेट थ्योरी से क्लियर करते हैं. सपोज 1, 2, 3, 4 एलिमेंट से सेट ए में, बी में है आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ओके, अब यहाँ पर आप इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट देखो तो कितने होंगे, होंगे तो मैक्सिमम हुआ तो 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हो 2 and 4, only for 2 एलिमेंट्स. अगर कॉमन हुआ तो मैक्सिमम कितने होंगे, 4 हो सकते हैं. ओके, यहाँ पर आपके पास 7 एलिमेंट्स है और इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो 7 कभी भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो सकते. हुआ तो अगर 4 हुआ मैक्सिमम, अदरवाइज 0 भी हो सकता है. सपोज दे आर डिसजॉइंट सेट ABCD मैंने एज्यूम किया होता, आप देख सकते हो एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आता, यानी 0 हो सकता है मिनिमम में, और मैक्सिमम में कितने हो सकते हैं कि 4 एलिमेंट्स. तो यहाँ पर कोई एक की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो वो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए या बी से लेस होना चाहिए. ओके, बट यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो कि पी ऑफ ए इज गिवन हियर 0.5, पी ऑफ बी इज द 0.7 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज हियर 0.6. तो देख सकते हो यहाँ पर जो डेटा दिया है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ ए या पी ऑफ बी होना चाहिए. बी से तो लेस है बट ए से लेस नहीं है. ओके, ज्यादा है. ओके, तो दैट इज गिवन डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट, गिवन डेटा इज नॉट
कंसिस्टेंट। ओके नाउ सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपके पास P ऑफ A इज गिवन है यहाँ पर 0.5, P ऑफ B इज गिवन हियर 0.4 एंड P ऑफ A यूनियन B इज गिवन हियर 0.8। तो इंटरसेक्शन से आपको आइडिया मिलेगा, तो P ऑफ A यूनियन B की ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूला है, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो देखो स्टूडेंट्स, P ऑफ A आपके यूनियन आपके पास है 0.8, P ऑफ A इज 0.5, P ऑफ B इज 0.4 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B एज इट इज। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B को आप सब्जेक्ट बनाओ तो 0.9 माइनस 0.8 दैट इज 0.1। तो आप देख सकते हो दोनों जो वैल्यूज मिली वो P ऑफ A से लेस है एंड P ऑफ B से भी लेस है। तो आप लिख सकते हो हियर गिवन डेटा इज कंसिस्टेंट ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन लिखा है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स। स्टूडेंट्स यहां पर मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, बाकी सब क्वेश्चन आपको सॉल्व ट्राई करने हैं। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपके पास जो डेटा है देखो, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3, P of B is 1/5 and P of A intersection B is 1/15। फाइंड करना है स्टूडेंट्स आपको यूनियन। तो यूनियन की फॉर्मूला ऑलरेडी है आपके पास, P of A प्लस P of B माइनस P of A intersection B। व्हाट इज द P of A? 1/3, P of B is 1/5, intersection यानी 1/15। नाउ टेकिंग LCM, हियर LCM इज 15, हियर 5 3 and minus 1, 5, 3, 8 minus 1, that is 7/15. Insert, देखो students, आपके पास ये 1, 2, 3 और 4 terms है, 4 में से कोई एक term नहीं है, तो उसको subject बना के आप find कर सकते हो, okay? Now, अब second number के question में आप देख सकते हो, P of B नहीं है, okay? तो P of B को subject बनाओगे, बाकी ये ही formula same, उसमें सबके value put करके P of B को subject बनाना है, और ये question में आपको इंटरसेक्शन को सब्जेक्ट बनाना है। तो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हियर क्वेश्चन नंबर 14 इज पी ऑफ ए इज गिवन हियर, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, पी ऑफ बी इज गिवन हियर 1/5 एंड फाइंड द पी ऑफ ए और बी, ए और बी दैट इज ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। और यहां पर लिखा है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके? तो इवेंट, नेक्स्ट पॉइंट, इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, बिकॉज इंटरसेक्शन बी 5 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो आपके पास P of A और B, A union B की फॉर्मूला क्या होगी? P of A plus P of B minus intersection, but intersection की वैल्यू नेक्स्ट टर्म में हम क्या लिख देंगे? 0। What is the P of A? 3/5 plus 1/5 minus 0, that is 4/5। Now next question number 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो स्टूडेंट्स, पी ऑफ ई एंड पी ऑफ एफ दिया है, ई एंड एफ भी आपको ऑलरेडी दे दिया है, फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ई और एफ, दैट इज ई यूनियन एफ। तो फॉर्मूला है आपके पास पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। व्हाट इज द पी ऑफ ई? इज द 1/4, पी ऑफ एफ इज 1/2, इंटरसेक्शन यानी 1/8। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम इज 8, हियर 2 LCM मल्टी होगा 4 माइनस 1, 6 माइनस 1 दैट इज 5/8। तो आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी स्टूडेंट्स यहां पर 5/8। ओके नाउ सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है देखो स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है नॉट E दैट इज E डैश एंड इंटरसेक्शन एंड F डैश। तो आप स्टूडेंट्स अप्लाई द डी मॉर्गन्स लॉ, तो E यूनियन F द होल डैश यहां पर लिख सकते हो, और होल्ड एस यानी वन में से आप कट कर दोगे तो आपको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। बट ई यूनियन एफ ऑलरेडी आपने फाइंड कर दिया है, देखो स्टूडेंट्स 5/8, 1 माइनस 5/8 वी गेट 3/8।
आपको यहां पर मिलेगा 3/8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पी ऑफ ई इवेंट ई एंड एफ आर गिवन हियर, नॉट ई और नॉट एफ इज गिवन हियर। ओके, तो नॉट ई दैट इज ई डैश और मींस यूनियन एफ डैश नॉट एफ इज इक्वल टू 0.25। तो वी गेट, आप लिख सकते हो अप्लाई द डी मॉर्गन्स लॉ, इंटरसेक्शन एफ डैश इज 0.25। तो वन में से कट कर दो तो आपको ई इंटरसेक्शन एफ मिलेगा, 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75। आपको यहां पर चेक करना था कि ई एन एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो वो जीरो मिल रहा है या नहीं, तो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, दैट इज इवेंट ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके, क्योंकि इंटरसेक्शन जीरो नहीं मिला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स, आपको सेल ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन है नॉट ए, नॉट ए यानी एडेस, एडेस यानी वन में से ए कट कर दो, नॉट बी बी डैश तो बी वन में से कट कर दो, ए और बी ए यूनियन बी, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी ऑलरेडी है माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 18 नंबर ऐसे सेम क्वेश्चन सेट थियरी में हमने सॉल्व किए थे, कि जो प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चन थे, ओके, उसी टाइप के क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर, इन अ क्लास 11 ऑफ ए स्कूल इज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथमेटिक्स, 30% स्टूडेंट्स बायोलॉजी एंड 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ द सब्जेक्ट मैथ्स एंड बायोलॉजी। इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डेटा दिया है वो लिखते हैं पी ऑफ एम यानी मैथ्स पढ़ रहे टोटल 40% यानी 40/100, बायोलॉजी स्टूडेंट्स यानी 30% दैट इज 30/100 एंड बोथ दैट इज ई एम इंटरसेक्शन बी दोनों 10% दैट इज 10/100। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, आप देख सकते हो आपको फाइंड करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी विल स्टडी मैथ्स और बायोलॉजी यानी यूनियन आपको फाइंड करना है। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला है पी ऑफ एम प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ एम आपके पास है 40/100, बायोलॉजी इज 30/100 एंड बोथ दैट इज 10/100 सबट्रैक हो जाएगा। तो 70-10 दैट इज 60/100, तो ये भी आंसर है, अदरवाइज 60% आर बोथ, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी इज 0.6, कोई भी आंसर लिख सकते हो, परसेंटेज में तो 60% और प्रोबेबिलिटी लिखना है तो 0.6% स्टूडेंट्स ऐसे जो मैथ्स और बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप के रिलेटेड, इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट ग्रेडेड ऑन द बेसिक ऑफ द टू एग्जामिनेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेंडमली चूजन द स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8। ओके, एंड सेकेंड एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हम डेटा लिखते हैं कि व्हाट इज द पी ऑफ ए, ए यानी फर्स्ट एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 एंड सेकेंड एग्जाम में 0.7 एंड हियर क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन यानी यूनियन, तो स्टूडेंट्स आपको यूनियन दे दिया है ऑलरेडी 0.95। ओके, 0.95। Now, what is the probability of passing both? Both यानि intersection. Intersection आपको find करना है. Students, ये आपको self try करना है. Already ये formula, यही वाली formula apply होगी. Union वाली A plus B minus intersection. फिर इस form क्या कर देंगे? Subject बना देंगे. Now, next question number 20. 20 number का question है students आपके पास. The probability that a study will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5. तो देखो यहाँ पर English and Hindi उसमें दोनों में पास होने की probability 0.5. Probability of passing neither is 0.1. Neither means H भी नहीं and E भी नहीं. That is E dash intersection H dash is 0.1.
ओके तो देखो स्टूडेंट्स हम यहां से सॉल्व करते हैं पी ऑफ ई यूनियन एच द होल डैश इज 0.1। ओके तो 1 में से कट कर दोगे तो ई यूनियन एच मिलेगा आपको, 1 में से कट कर देते 0.1 वी गेट 0.90। ओके तो बोथ की प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई। और स्टूडेंट्स आगे देखो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश की आपके पास है 0.75 और फाइंड करना है आपको हिंदी एग्जामिनेशन। तो अब देखो स्टूडेंट्स आपके पास इंटरसेक्शन है, ओके फिर यूनियन भी है, ओके फिर ई है, एच आपको फाइंड करना है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है मैं उसमें सबकी वैल्यूज है, एच नहीं है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो यानी ये क्वेश्चन भी आपको यहां से सेल्फ ट्राई करना है। जो इनकम्प्लीट डेटा था वो ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 21, तो 21 नंबर का क्वेश्चन है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 ऑप्ट फॉर एनसीसी, 30 स्टूडेंट्स जो एनसीसी चूज कर रहे हैं और 32 स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर एनएसएस, 24 ऑप्ट फॉर एनसीसी एंड एनएसएस बोथ। तो जो डेटा है स्टूडेंट्स फर्स्ट लिखते ए इवेंट दैट इज ऑप्ट फॉर एनसीसी, ओके और बी इवेंट मींस ऑप्ट फॉर एनएसएस। ओके तो अब यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन हियर 30 स्टूडेंट्स फॉर एनसीसी दैट इज 30 अपॉन 60, P of B is the 32 students, we get 32 upon 60 and both are 24 students, yani A intersection B is 24 by 60. First question is just to find the probability the students opt for NCC or NSS. So, dekho students, first jo topic hai NCC or NSS, yani union find karna hai aapko, P of A union B. Its formula is P of A plus P of B minus P of A intersection B. What is the P of A? Is the 30%, yani 30 students, 30 by 60 plus 32 by 60 minus 24 by 60. So LCM aayega students 60, 30 plus 32 yani 62. 62 mein se aap 24 cut kar doge, to aapko answer milega 38 by 60. Otherwise 19 by 30. तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसकी प्रोबेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, योर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स हैज ऑप्ट नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। ओके तो स्टूडेंट्स नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस यानी आपको फाइंड करना है एनसीसी भी नहीं है इट एस एंड एनएसएस भी नहीं है। ओके तो यानी डैस आप इसको लिख सकते हो डी मॉर्गन्स लॉ से ए यूनियन बी होल्ड एस That is one में से A union B यहां पर हम कट कर देंगे। ऑलरेडी P of A union B है 19 by 30, LCM लेंगे 30, 30 minus 19 we get 11. तो probability मिलेगी neither NCC nor NSS के लिए 11 by 30. And third number का question है students, the students has opt NSS, NSS यानी B. Okay, तो B की probability find करना है but A नहीं करना है यानी B minus है. अदरवाइज P ऑफ B इंटरसेक्शन A डैश, अदरवाइज आप इसकी फॉर्मूला लिख सकते हो P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ऑलरेडी देखो स्टूडेंट्स P ऑफ B आपके पास है 32 by 60 और इंटरसेक्शन आपको मिला यहाँ पर 24 by 60, तो 32 में से 24 कट करोगे तो आपको मिलेगा 8 by 60, 4 टू जाएगी 4 से डिवाइड करो यानी 2 अपॉन 15। तो जो क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट थे उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखो आपकी एक्सरसाइज जो थी 16.3 यहाँ पर कंप्लीट हो गई।